कि बर्फ बिलीव ही नहीं हो रहा कि शिमला वाला एरिया क्योंकि बर्फ देख जी। गुड मॉर्निंग। तो रात को पड़ गई बर्फ, हालांकि ज्यादा तो नहीं थी पर पड़ गई दोबारा से। तो ये देखो, ये सुबह का नज़ारा, जब सूरज आता है ना तो कितना खूबसूरत हो जाता है शिमला। देखो ये नीचे का नज़ारा, पर उधर पहाड़ियों पे तो नहीं पड़ी पर इस साइड पड़ गई काफ़ी। तो मैंने सोचा कि एक मॉर्निंग वॉक तो बनती है, आप लोगों को बर्फ काफ़ी पसंद है तो बर्फ तो किसको पसंद नहीं होगी यार इस साल तो स्पेशली रहा है। जो देखो बाइक तो बहुत ही रिस्की, पता नहीं बाइक कैसे चला रहे, सड़क पे दिखाता हूँ आपको, बहुत पाला है अभी, बहुत ज़्यादा। वो देखो अभी देखना, यहाँ बाइक वाले भाई आ रहे हैं, ये भी रिस्की होता बहुत। पाला बहुत है ना, मुड़ जाती है इसमें बस गाड़ी। इतनी गर तो पड़ी गई, अभी बोल रहे हैं और पड़नी है, देखो क्या होता है। सड़क पे पाला देखो, सबसे रिस्की है ये। जो पड़ती भी है बर्फ़ वो भी फिर ठीक है, पर ये वाली में तो मतलब गाड़ी का टायर टिकता ही नहीं है। लोगों ने गाड़ियां तो निकाल दी हैं पर इसमें एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती। जाएंगे ना तो एक और वॉक अराउंड वीडियो छोटा सा सुबह सुबह का। ये सामने को BCA साइड या कम पड़ी उस साइड, यहाँ हमारे आगे थोड़ी इस साइड को। ये देखो बस अब तो सड़कों, जहाँ जहाँ धूप पड़ती जाएगी वहाँ तो फटाफट गल जाएगी क्योंकि कम पड़ी थी ना, गाड़ियों वगैरह पे रह जाएगी थोड़ी। ये देखो जहाँ अच्छी धूप पड़ गई वहाँ तो तुरंत गुम हो जाएगी। सूरज भक्त देवता भी कर रहे हैं काम रोड खोलने का। ये जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे दफ्तर वाले लोग हैं, सरकारी ऑफिस। यहाँ पे बसें नहीं चल रही तो सुबह सुबह चलो पैदल मार्च करते हुए जाएंगे, ये अब ऐसे ही होता है यहाँ पे। बर्फ पड़ जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो रुका ही है, थोड़े दिन तक तो बंद ही रहेगा शायद अभी, तो तब तक चलो बंदे चले हैं पैदल। गाड़ी वाले कई हिम्मत कर रहे हैं ऐसे ऐसे निकालने की गाड़ी, तो पर बाजार वाली साइड काफ़ी होगी ना, तो इसीलिए पैदल ही मार्च करते लोग चले हैं। मैं अभी फिसल गया था। ये देखो यहाँ आया, जहाँ बर्फ मतलब धूप नहीं होगी ना वहाँ तो ठीक पाला होगा अभी। बस ये वाली बर्फ तो मेन शिमला की तो हट जाएगी आज ही शाम तक। तुम्हें ही बता रहा हूँ ये वाली बर्फ तो आज हट जाएगी, ये नहीं टिकेगी जा रहा। गाड़ियों पे तो पड़ी गई थोड़ी थोड़ी, इनसे तो टाइम लगेगी, अब जब अच्छी खासी धूप आएगी तभी हटेगी। कि नहीं बाकी आ जाएगा कुफरी और मशोबरा में मज़ा। ये देखो वहाँ आएगा मज़ा आज, वहाँ होनी बर्फ खतरनाक वाली, ये पक्का है। मैं एक दो बार फिसल गया यार, मैं तो दांत तोड़ा के मानूंगा ऐसा लग रहा है मेरे को। ये देखो ये तो बहुत ही स्लिपरी होती है ये वाली, ब्लैक आइस पूरी तरह फिसलती है इस पर तो गाड़ियाँ वगैरह। लगता कितना खूबसूरत है ना यार, आई विश और बढ़ जाती ढंग से, थोड़ी अच्छी रहती है पूरी साल को फिर पहाड़ों में, अगर अच्छी बर्फ़ पड़ जाए ना एक बार खुल के तो फिर अच्छा हो जाता है सारी साल को। जी आई एम एट संजौली और देखो संजौली का व्यू कितना शानदार हो रहा है, देखो आपको दिखाता हूँ सामने, ये देखो
वो सामने दिख रहा है डिंगू मंदिर, ये देखो। आज दिखाएंगे आपको मस्त वाली बर्फ की। ढली पहुंचे हैं और ये वो बेल्ट है शिमला की जहाँ पे ना मतलब सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, मेन शिमला के हिसाब से देखा जाए तो, अगर इस एरिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है। तो अब यहाँ पे इतनी बर्फ़ बची है पर बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखो। ये बेस्ट व्यू लगता है मेरे को, ये जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ पेड़ होते हैं ना, ये सबसे सुंदर व्यू होता है ना, क्या बोलते हो, सबसे प्यारा लगता है। बेस्ट व्यू है यार ये शिमला का, बहुत ही खूबसूरत लगता है बर्फ़ में ना यार। आई विश थोड़ी सी और पड़ जाती, थोड़ी तो जूसी कर दी भगवान ने बर्फ़ देने में। तो यार अभी तो मैं ढली पहुंचा हूं पर मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आज टाइम लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारा टूरिस्ट और लोकल जाना चाह रहा होगा कुफरी और मशोबरा। पर भाई ढली में ही लग गया जाम, काफ़ी देर होगी मुझे खड़ी, काफ़ी देर तो क्या 10-15 मिनट हो गए खड़े यहाँ पे। खैर अपडेट करता हूँ आपको, जब तक बर्फ़ रहेगी तब तक रश तो अच्छा रहेगा शिमला में। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है यार, क्योंकि कुफरी तो जाने नहीं दे रहे। अगर आपके पास 4x4 गाड़ी नहीं है तो कुफरी तो अलाउड नहीं है फिलहाल जाना, 4x4 ही जा रही है। ऊपर छोटी गाड़ियां सारी नीचे को भेजा है मशोबरा की तरफ। अब देखो आगे क्या हाल होता है मशोबरा का। जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होती है शिमला में अक्सर, भकेल्टी वाला रोड जो है और ये रोड है यहाँ हो रही है। देखो ये सामने का नज़ारा आप देख लो कितनी बर्फ़ है। देखो जी मशोबरा में इतनी बर्फ है कि बर्फ हटाने का काम चल रहा है साथ साथ, ये दिखाते हैं आपको। गाड़ी तो मेरी फंस गई पीछे ही वहाँ पे, मैंने सोचा अभी आपको ऐसी दिखा देते हैं कि गाड़ी बर्फ कैसे हटाती है भाई यहाँ पे। ये ऐसी मशीन, ये मशोबरा में बर्फ आज की, तो गाइस ये देखो यहाँ की बर्फ देखो कंपैरेटिवली और शिमला से काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। ये देखो लगी हुई है जेसीबी बर्फ हटाने में, देख सकते हो आप। तो जी फिलहाल अभी मशोबरा में बखेलटी वाली साइड अगर आप आओगे, और कुफरी में इससे ज़्यादा बर्फ़ अभी कहीं नहीं है, महासू पीक वगैरह तो ऑब्वियसली होगी नारकंडा में, पर मशोबरा साइड अभी ये बखेलटी वाली रोड है मशोबरा से कटती है अंदर को, और वहाँ आपको आगे तक एक लंबा स्ट्रेच मिलेगा जहाँ बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी आपको। अगर बर्फ़ देखने के शौकीन हो तो अभी भी शिमला में 3-1 दिन अच्छी बर्फ़ मिलने वाली है, होगी अभी, टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तो बहुत है।
जा। लो लो कोई चक्कर नहीं है ना, बस ठीक है। देखो यार ये देखो, अब हरियाणा वाले फंस गए ना भाई। देखो ये क्या होता है, जरा सी भी आपने पाले में गलत जगह को गाड़ी ले गए ना, फिर फिसल के नीचे उतर जाएगी। ये देखो ले 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 अपने रोड पे। यार क्यों ना आपको दिखाया जाए कि कुफरी में क्या हो रहा है, और लोगों ने बेतरतीब गाड़ियां चला दी हैं जिसकी वजह से अक्सर यहाँ पे कुछ हो जाता है गड़बड़। और ये हो गया है, ये देखो। सोच रहा था मैं कुफरी जाके आपको कुछ दिखाऊं, पर ऊपर तो गाड़ी फंस गई है यहाँ पे। गाड़ियाँ फंसी हैं जी यहाँ पे। अब आगे।